एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक अल्हेपुर में स्थित थरकथल सानी गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 40 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने संजय कुमार को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 3000 की आबादी एवं 1900 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 425 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 185 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 45 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 13 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। सर्कल सानी से संजय कुमार। ग्राम सरकलसानी से, ग्राम पंचायत सरकलसानी से संजय कुमार। और जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो धन आवंटन किया है उसका सदुपयोग किया है और जो गांव की समस्या है उसका भी निवारण हो रहा है। और हमारा जो मानदेय है वो बहुत कम है, जिसके वजह से हम अपना जो घर के खर्च नहीं हो पा रहे हैं और जो सुख दुख में शामिल होते हैं उसका रिवादी हमारा नहीं होता है। और हमारा मानदेय 15,000 से 20,000 रुपये होना चाहिए। और गांव की जो हमारे गांव में ग्राम पंचायत में एक तो ग्राम पंचायत घर नहीं है और बारात घर नहीं है, बहुत समस्या है। तो योगी जी से निवेदन है कि वो हमारे ग्राम पंचायत में थोड़ा ध्यान दिया जाए जिससे विकास कार्य पूर्ण हो सके।